ये पहुंच गए हम गिरिजा मंदिर और यहाँ पे कोसी नदी में लोग नहाते हुए एक पानी में नहा रहे हैं। देखो आओ चलो, ये इतनी ऊंचाई पे मंदिर है बेटा, इतनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी दर्शन के लिए। और यहाँ से बड़े भयंकर नजारे भाई, पहाड़ है इस तरीके से ऊंचाई पे चढ़ना। गर्जा देवी मंदिर रामनगर, ये अभी सीढ़िया उतर रहे हैं फिर वापस चढ़ेगी मंदिर की सीढ़िया। ये इतनी भीड़ है गर्जा देवी मंदिर में, ये नीचे है फिर ऊपर सीढ़ी चढ़नी है। और ये यहाँ पे गर्जिया ये सब सीढ़िया बनी हुई है और एक एक बंदे की जाने की जो है नीचे तक लाइन लगी हुई है यहाँ पर। नीचे गेट भी है शायद रात को बंद करते हुए। होटल वालों ने पूछा था कि यहाँ पे कोसी रिवर है तो रात को हिरन वगैरह आते हैं, शायद 6 बजे तक का टाइम है शाम रात को इस मंदिर का। वहाँ पे देखो बाहर तक भीड़ लग गई है लाइन और ऊपर तक इस तरीके से अब चढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। बेटा आगे बोलना, चलो 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 इस तरीके से ऊपर तक जा रहा है। गर्जा देवी मंदिर के बाद हम दर्शन करने हैं श्री हनुमान धाम में। बोलो जय श्री राम। ये बड़ा अच्छा और प्यारा मंदिर बना हुआ है ये और काफी ऊंचाई पर है, अभी इतने ऊपर है, देखिए कितने बड़े एरिया क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ है, ये दान दाताओं के नाम हो गए, ऊपर 16 पैनल लगे हुए हैं। और यहाँ से पहाड़ों को हम आराम से देख सकते हैं।
बोलो जय श्री राम। परिसर के अंदर इसलिए परिसर के बाहर आके वीडियो बना रहे हो, फोटो या सेल्फी नहीं खींच रहे। ये देला मेन रोड है जो रामनगर से देला जाती है सीधी, और उस पर ये होटल है सिचुएटेड। और यहाँ पे देखे इसके सामने, उधर भी देखो, उधर भी बाग है, ये सारे आम के बाग है। इधर भी देखो कितने सारे बाग है, और सब पे ये फ्लावर्स जो होते अरे मॉल बोलते थे, आम का मॉल आया हुआ है। जो इसी फ्लावर से ही मैंगो में कन्वर्ट होता है, जो फूल आता है, जो फूल कन्वर्ट होता है फल में, वो इसी से होता है। और चारों तरफ नजारा देखिए कितना अच्छा प्यारा वेदर है। इधर भी है, इधर अच्छे से घर बने हुए, उधर पूरा ग्रीनरी है। और अभी हम छत पे हैं, तो छत पे शाम का वेदर एंजॉय कर रहे हैं।